में बताएं, जो राइट टू हेल्थ बिल आ रहा है जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी सरकारी हॉस्पिटल की तरह निःशुल्क इलाज करना पड़ेगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं सिकट से हूँ, निर्जा हॉस्पिटल से, और हम कल सुबह 10 बजे से यहाँ धरना प्रदर्शन बैठे हैं, कंटिन्यू यहीं पर हम बैठे हुए हैं। आरटीएस का मतलब ये है कि गवर्नमेंट एक प्राइवेट जो निजी हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स हैं, उन पर एक कानून लेके आ रही है कि आप किसी मरीज का इलाज आपको फ्री में करना पड़ेगा। अगर आपके पास में कोई मरीज़ आ रहा है, अगर उसके पास में पैसे नहीं है, वो आपको ज़बरदस्ती मना कर रहा है कि भाई मैं पैसे नहीं दूंगा आपको, मेरे पास पैसे नहीं है, आप जो मर्जी कर लो, तो गवर्नमेंट उसके पक्ष में रहेगी और ये उसके डॉक्टर्स कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये कानून एक बन रहा है निजी डॉक्टर्स के लिए, तो उसमें डॉक्टर्स को ये नुकसान रहेगा कि अगर डॉक्टर्स चाहे तो कोई निजीकरण अगर कर रहा है या कोई भी नया मशीनीकरण है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह नए है, वो नहीं कर पाए, तो इसमें सभी का नुकसान है, किसी प्रकार का कोई भलाई नहीं है। तो अपने कैसे पता करेंगे कि इसके पास पैसा है या नहीं है, कैसे पता चलेगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कि इसके पास सच में पैसा है या नहीं है? देखो सर, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जो उसमें मनमर्जी का काम होगा उसके बाद में, अगर मेरे पास पैसे भी अगर मैं मना कर रहा हूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है, फिर वो मनमर्जी का काम होगा, जो भी कानून बनता है उसके 2% लोग फायदे लेते हैं, बाकी 98% उसका नुकसान ही होता है। तो इमरजेंसी में जो इलाज करते हैं, जैसे ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो ये हर हॉस्पिटल में फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती ऐसी बीमारियों की, तो ये कैसे फिर मुमकिन हो पाएगा? ये भैया लगभग ऑलमोस्ट जो बड़े हॉस्पिटल जो क्रिटिकल सेंटर चला रहे हैं उनके पास में हार्ट की, ब्रेन हेमरेज की सब चीज़ें होती हैं। हाँ, ये मानते हैं कि अगर पेशेंट आ रहा है उस टाइम, अगर पेशेंट के पास पैसे नहीं है तो डॉक्टर्स उसका इलाज करेंगे, मना नहीं कर सकते, लेकिन पेशेंट ठीक होकर घर जा रहा है, उसको रेफर करना पड़ा हार्ट सेंटर, उस टाइम पेशेंट को पैसा पे करना पड़ेगा। तो आरटीएस के नियम के तहत ये कि उस टाइम अगर पेशेंट मना कर रहा है हम पैसे नहीं देंगे आपको, तो ये गलत है। रेफर की बात करते हैं, जैसे कि रेफर अगर किसी हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर किया, तो जो एम्बुलेंस का जो रहेगा वो क्या सरकारी हॉस्पिटल की तरफ से रहेगी एम्बुलेंस प्रोवाइड, या सरकारी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो पेशेंट रेफर होता है वो गवर्नमेंट में जाएगा, अगर प्राइवेट से रेफर हो रहा है तो प्राइवेट से, वो चाहे गवर्नमेंट में जाए प्राइवेट, जो उन पर डिपेंड करता है वो। नहीं तो एम्बुलेंस का जो खर्चा है वो कौन प्रोवाइड, अगर पेशेंट गवर्नमेंट से रेफर हो रहा है तो गवर्नमेंट की गाड़ी जाएगी, प्राइवेट से रेफर हो रहा है तो उसका खर्चा पेशेंट को लगेगा। अच्छा, मतलब जो अगर प्राइवेट से जा रहा है तो उसका खर्चा पेशेंट को देना पड़ेगा। जो अगर जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, जो सरकार कहती है प्रोत्साहन राशि जो 5,000 रुपये दे रही है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे उसको दे पाएंगे कि मतलब कोई भी लेके आता है उसको प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपये कैसे दे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो कोई भी एक्सीडेंट हो गया कहीं भी, आप 108 को कॉल करो, वो आपको सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाएगी, देन उसके बाद में अगर आप रेफर कराना चाहो उसको, वो आप पे डिपेंड है। अगर आपके पास पैसा है प्राइवेट लेके आओ, अगर आपको इलाज है तो भाई मैं तो सरकारी में जाऊँगा, कहीं हाई सेंटर जाऊँगा, तो आप 108 छोड़ेगी आपको वहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये बिल पारित हो जाता है तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल वैसी ही फैसिलिटी देगा जो अभी दे रहा है? नहीं नहीं, अगर ये बिल पारित होता है उसके बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल है जो अपना स्टैंड मेंटेन नहीं कर पाएंगे, वो कैसे इतने सारे मतलब जो स्टाफ उनको सैलरी पे करेंगे, जो मशीनीकरण है इतना टैक्स बढ़ते हैं, जो हॉस्पिटल 30% टैक्स लगता है वो कहाँ से पे कर पाएंगे, जो नया नवीकरण है, नया मशीनीकरण है, जो नए रिसर्च सेंटर बने, नई नई टेक्नोलॉजी एवरीडे आ रही है, वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो जो हेल्थ सर्विस है वो धीरे धीरे डाउन ही जाएगी, नहीं कि अप आएगी।